नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। और जो पिछली वीडियो आपने देखी होगी, जो मेरी पिछली फाइल थी वो मेरी 51% पे पहुंची थी और लगभग 70-80 लाख की फाइल थी और काफ़ी कलेक्शन हुआ था। तो 12 तारीख को क्लोजिंग होती है और 14 तारीख को नई फाइल आ जाती है। तो नई फाइल आ गई है, ये इसमें 44 केस हैं। पिछले वाले में तो ज़्यादा केस थे, लेकिन इस वाले में केस कम है, 44 केस है। लेकिन ये वाली जो फाइल है उस वाले फाइल से ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि ये 1 करोड़ के लगभग की है, वो 80-80 लाख के लगभग की फाइल थी। तो अभी इसमें 44 केस हैं। तो अभी हम इसमें देखेंगे कलेक्शन करके कि कितना परसेंट होता है कितना नहीं होता है। तो पिछली फाइल मेरी बहुत बढ़िया गई थी, बहुत मतलब चौथे नंबर पे था मैं। तो कुछ केसेस थे वो मतलब जो शिफ्टेड थे वो नहीं हो पाए थे, तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। तो और जो वो बकेट अगले बकेट में चला जाएगा तो उसमें वो हो जाएगा कलेक्शन, उनका एड्रेस ढूंढ के। तो अभी नई फाइल आई है, नई तरीके से काम करेंगे और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितने परसेंट फाइल हुए, कितने केस पेड हुए, कितने अनपेड हुए हैं। तो काफ़ी बढ़िया है, छोटी फाइल है, 44 हैं, 44 केस हैं और 3-4-5 पिन कोड हैं। तो मज़ा आएगा काम करने में। और कुछ लड़के जो DRA सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रहे थे, देखो भैया मैं DRA नहीं करवाता। कई लड़के फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि DRA करवा दो। तो जहाँ पे भी आप रह रहे हो जो कोचिंग सेंटर होता है वहाँ पे कुछ जो एजेंसियाँ होती हैं वो DRA सर्टिफिकेट, जो DRA का सर्टिफिकेट DRA कोर्स होता है वो करवाती हैं ऑनलाइन। और यहाँ पे दिल्ली में तो बहुत सारी जगह हैं और बहुत सारी एजेंसियाँ हैं जो DRA एग्ज़ाम करवाती हैं। और का सर्टिफिकेट 15-20 दिन में आ जाता है, 20 पर एक महीने का मान के चलो, एक महीने के अंदर अंदर आ जाता है। तो बहुत सारे, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लड़कों ने कॉल किया था, पूछा था। इसमें भाई बहुत जगह फ्रॉड भी होता है, मैं ऐसा ही बता रहा हूँ। 4-5 हज़ार रुपये आपके वेस्ट नहीं होने चाहिए। तो जैसे क्या होता है ना, आप वहाँ पर जाओगे जमा कर दोगे, एग्ज़ाम भी दोगे, सब कुछ होगा और आपका सर्टिफिकेट नहीं आएगा। उसके लिए आपको इंतज़ार करना रहेगा, वो एजेंसियाँ बताएंगी आपका भी आया नहीं है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। तो इससे आप ऐसे एजेंसी से कांटेक्ट करें जो बढ़िया हो, थोड़ा सा रिसर्च कर लें। ये नहीं कि आप गए और पैसे जमा कर दिए, और ये सब थोड़ा सा फ्रॉड भी चल रहा होता है आजकल, तो इससे थोड़ा बचें। और जिनको रिकवरी में काम करना है, बहुत अच्छा तरीका है पैसे कमाने का, बहुत बढ़िया। और पार्ट टाइम जॉब वालों के लिए भी बहुत बेस्ट है मेरे हिसाब से। जो 12th करके, देखो जो 12th करके और कुछ लड़के होते हैं 12th करते हैं, उनके घर की प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो लड़के BA जो होता है, BA या BCOM BSc वगैरह वो रेगुलर कर नहीं पाते हैं, तो ओपन से करते हैं और साथ साथ उनको इनकम का स्रोत चाहिए। तो उसके लिए बहुत बेस्ट जॉब है, अपना बहुत टाइम मिल जाता है, ये चार घंटे में आपका काम ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके पास टाइम हो जाएगा, अपना जॉब भी कर सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो। और इसे ये एक ऐसी जॉब है जिसमें आपका इम्प्रूवमेंट होता रहता है और आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है, आपकी पोस्ट भी बढ़ती रहती है, तो अच्छा है। और अदर जॉबों से जो लड़के इधर उधर भटक जाते हैं, वो मुझे खुद बहुत लेट में पता चला था इस चीज़ का, वरना मैं तो अभी इसी में कर रहा हूँ। वरना मैं भी स्टार्टिंग से, जब मैंने 12th किया था, ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद ही लग जाता तो बहुत सही होता, मतलब अच्छे पोस्ट तक पहुँच जाते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, एक हमारे जो बैंकर साहब हैं, मेरे मित्र हैं, तो वो भी ऐसे फील्ड का काम करते थे, तो उनके अंदर टैलेंट था, एक्सेल वगैरह जानते थे और DRA सब कुछ कर रखा था। अभी वो मैनेजर साहब हैं, तो अच्छी सैलरी है उनकी, ठीक ठाक है। कभी उनकी उनके साथ की मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा, वो मेरे साथ फील्ड पे जाते हैं। तो
तो ठीक है दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। तो ये मैं बता रहा था, ये मेरी फाइल है, 44 केस आए हैं इस बार। हमारा जहाँ पे जॉब, मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे थोड़ा बढ़ के केसेस आए, मतलब बढ़ के आए हैं, लेकिन क्या है ना कि केसेस बड़े बड़े हैं तो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, 1 करोड़ के लगभग की फाइल है ये, ठीक है। तो फिर अभी ज़्यादा हो जाता तो फिर उसमें भी प्रॉब्लम होती, लेकिन मुझे इतने ही 44 मिले हैं, और भी लड़कों को जो भी है मिले हैं, जो भी केस हैं, तो हम 4-5 लड़के हैं, वैसे तो 15 लड़के हैं पूरे उसमें काम करते हैं, सबको थोड़ी 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 फाइलें पिन कोड के हिसाब से थोड़ी थोड़ी मिली है। तो जो भी मैं पिन कोड करता हूँ मेरे एरिए का, तो मैं 8 से 10, 10 12 विजिट, 13 विजिट ऐसे कर देता हूँ, तो इसे सही रहता है। जितनी जल्दी विजिट ख़त्म करोगे उतना जल्दी आपको प्रॉफिट होगा, और टाइम मिल जाएगा कि हाँ कौन सा कस्टमर जो शिफ्टेड है, कौन सा पेमेंट वहाँ आएगी, तो इसके लिए सही रहता है। फिर उसी पे आपको काम करना होता है, जो शिफ्टेड होते हैं वो आप अपना ट्रेसिंग में दे दो, एड्रेस वगैरह ट्रेसिंग होती है उसकी, तो उसमें वो लोग ट्रेस करते हैं, एड्रेस की कस्टमर को ढूंढते हैं, ऐसा कुछ है। तो इसमें देखते हैं, मैं आपको सैलरी का भी बता रहा था, इस बार इंसेंटिव भी, मतलब जो पिछली सैलरी का था वो भी मैं बताऊंगा। अभी आई नहीं है सैलरी, 6-7 तारीख तक, 10 तारीख तक आएगी, तो उसमें मैं बताऊंगा कितना इंसेंटिव बनता है, इसमें देखते हैं कितना परसेंट इंसेंटिव बनेगा। और अभी जो हमारे सर हैं उन्होंने 3,000 रुपये का और 5,000 रुपये का, जो फर्स्ट आएगा उसे 5,000, जो सेकंड आएगा उसे 3,500, जो थर्ड आएगा उसे 2,500 रुपये अनाउंसमेंट किया है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इससे क्या है ना पेट्रोल का थोड़ा खर्चा निकल जाएगा, ये एक्स्ट्रा जो हमारा जो हमारा सैलरी और इंसेंटिव से अलग है। तो ये इस तरह से क्या होता है ना, काम करने का थोड़ा सा और वो होता है, और हम कोशिश करते हैं और मेहनत करते हैं, तो अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। इस तरह से बहुत, मतलब बहुत सी एजेंसियाँ बहुत अच्छी होती हैं, और बहुत सी एजेंसियाँ ऐसी होती हैं जो आपको पैसे भी खा जाती हैं, आपकी सैलरी भी नहीं देती है। तो थोड़ा ध्यान से अच्छी अच्छी एजेंसी हो और अच्छी अच्छी जगह काम पकड़ें, ऐसा ना हो आपको कोई लॉस हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपका देखो, किसी दिन मैं आपको फील्ड का भी दिखाऊंगा, विजिट का भी। तो वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, इसकी बताऊंगा मैं अभी बीच में भी बताऊंगा कितना पेमेंट हो गया है और कितना अभी रह रहा है, फिर उसके बाद फिर लास्ट में पूरा बताऊंगा कि कितना पेमेंट हुआ है, कितने परसेंट पे मैं आ रहा हूँ और कितने परसेंट पे और लड़के हैं, जो पिछली वीडियो की तरह पूरी डिटेल में देता रहूँगा। और जिन भी भाइयों को इसमें कोई दिक्कत आ रही हो कमेंट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, किसी दिन फील्ड की वीडियो बनाऊँगा, हाँ जो वो मेरे मैनेजर साहब थे उनकी भी वीडियो बनाऊँगा मैं किसी दिन, और तो देख लेना, बहुत बहुत मेहनती बंदे हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं पे अंत, वीडियो का अंत करते हैं। जय हिंद, जय।